चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। हेलो किड्स, कौन है ये? पापा। टुडे इज फादर डे। टुडे इज फादर्स डे। क्या है यार फादर्स डे? जोर से नहीं बोलना है, पापा सुन लेंगे। आपको आज सरप्राइज देना है ना पापा को? आपने उनकी एक्टिंग करने की प्रैक्टिस की है ना, तो उनके लिए तो गिफ्ट लेना पड़ेगा। आपको गिफ्ट देना है ना पापा को, तो क्या बनाएंगे? पापा भी आपको गिफ्ट देते हैं ना, जब आपका बर्थडे रहता है तब आपको पापा गिफ्ट देते हैं। जब आप स्कूल में अच्छे नंबरों से रैंक लेते आते हो तब भी पापा आपको गिफ्ट देते हैं ना पापा आपको गिफ्ट। तो अभी आपको भी तो पापा को गिफ्ट देना चाहिए ना, उनको हम आज सरप्राइज देंगे। तो क्या बनाएंगे पापा के लिए? सोचा है आपने कुछ? नहीं सोचा है? चलो आज मैम आपको बताएंगी पापा के लिए क्या बनाएंगे। मेकिंग पेपर शर्ट। आज पापा के लिए शर्ट बनाएंगे पेपर का। ओके, आर यू रेडी? चलो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पापा है ना, आपको बहुत प्यार करते हैं ना पापा। फादर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑफ जून मंथ। पता है आपको जून मंथ में आता है। तो चलो आज हम पापा के लिए एक पेपर का शर्ट बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ये एक कार्ड, जो हमारे घर में वेस्ट इनविटेशन कार्ड्स होते हैं वो आते हैं ना हमारे घर में, उसके बाद वो जो पुट्ठा होता है ना इसको बोलते हैं कार्ड, ये आप ले सकते हैं। उसके बाद A4 साइज का एक कलर पेपर, जो भी आपके पास है, आपका जो भी फेवरेट कलर है उस कलर का आप ये पेपर लेना है पापा का शर्ट बनाने के लिए। उसके बाद क्या लेना है? एक फेविस्टिक और ये एक सीजर। इसका यूज करते समय आपको मम्मी की हेल्प लेनी है। ओके, तो चलो स्टार्ट करें अभी। तो ये हमारे पास कार्ड है, ये हमारे पास जो पुट्ठा होता है ना वो मैंने लिया है। आपके पास घर में जो भी है, जो हम नोटबुक्स यूज करते हैं उसका भी हमारे पास वो पुट्ठा होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। क्या? तो ये जो पेपर है इस पर हम अभी क्या करेंगे, इसको स्टिक करेंगे। पेपर ऐसे रखा, उसके बाद ये ऐसे सेंटर में रखा, आपको ऐसे सेंटर में उसको स्टिक करना है। ऐसे आपको स्टिक करना है दोनों तरफ से, ऐसे। ऐसे आपको स्टिक करना है। ये सेंटर में हमने रख दिया। थोड़ा सा
सीजर का यूज करते समय आपको आपके मम्मी की हेल्प लेना है, इट इज वेरी डेंजर। ऐसे आपको स्टिक करना है और ये जो स्टिक करेंगे आप ये यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना है और ये सेंटर में से आपको फिर स्टिक लगाना है और फिर ये ऐसे दोनों स्टिक कर देना है दोनों पेपर्स को। ये इसे आपको स्टिक कर देना है, उसके बाद ये जो है सेंटर में से आपको ऐसे फोल्ड करना है ऐसे और ये इस तरफ से भी ऐसे ऐसे आपको दोनों साइड से ये जो है ना ऐसे फोल्ड कर देना है इसमें से और फिर यहाँ से। के बाद ये जो कॉर्नर है उस पे आपको ये कट लगाना है ऐसे आपको कट लगाना है ओके। ऐसे आपको ये फोल्ड करके यहाँ पे कट लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये रेड पेपर है, ये स्मॉल रेड पेपर लिया है, इसी से मैंने ये बनाया है तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे। ये इसको यहाँ स्टिक किया यस ये। अभी हम क्या करेंगे, शर्ट के बटन्स बनाएंगे। मैं ये पेपर का बटन्स बना रही हूँ, अगर आपके पास ऑलरेडी बटन्स है, वेस्ट वाले हमारे घर में बटन्स पड़े हुए रहते हैं तो वो यूज करना चाहेंगे तो वो भी यूज कर सकते हैं आप। मैं ये पेपर्स के बना रही हूँ बटन, क्योंकि हमको आज पेपर का ही शर्ट बनाना है इसीलिए मैं पेपर के बटन्स बना रही हूँ। आप अगर चाहे और आपके घर पे पड़े हैं बटन्स तो आप बटन्स भी लगा सकते हैं। सीजर का यूज आपको नहीं करना है, ये आप ध्यान में रखना। चलो अभी ये बटन हम यहाँ लगा देंगे। ये बन गया हमारा शर्ट, पापा को गिफ्ट देना है ना आपको, तो ये बन गया है शर्ट। अभी क्या करेंगे हम, इसमें कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, आपके पापा आपके लिए क्या है, बेस्ट पापा, बेस्ट पापा है ना, सुपर डैड। तो ऐसे आपको क्या करना है, अभी स्लोगन भी लिखना है। ये मेरे पास स्टिक है, मैंने ये भी पेपर का बनाया है, आप अगर चाहे तो आप कोई भी स्टिक भी ले सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे लिखा है बेस्ट डैड, तो आपको भी ऐसा ये कोई भी शेप आप कट कर सकते हैं, मैंने ये हार्ट शेप कट किया। अब क्या करेंगे हम, ये हम स्टिक करेंगे ऐसे, ये स्टिक कर दिया मैंने और अभी यहाँ पे हम ये जो है यहाँ पे हम स्टिक करेंगे इसमें। ऐसे आपको स्टिक कर देना है यहाँ पे और ये पापा को आपको गिफ्ट देना है, उनको आज सरप्राइज देना है ओके। समझ में आ गया आपको, ये कैसे कार्ड बनाया है मैम ने, ऐसे ही कार्ड आपको बना के आपके पापा को
गिफ्ट करना है. ओके किड्स, बाय बाय एंड एंजॉय विद योर फादर. ओके, बाय बाय एंड थैंक यू.